नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डेली वैकेंसी न्यूज चैनल में। दोस्तों आज हम फिर से एक नए भर्ती विज्ञापन के साथ उपस्थित है। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि अभी छत्तीसगढ़ में जो है वैकेंसी यहां पे निकाला जा रहा है, जिसमें अभी सभी शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। दोस्तों लगभग सभी जिलों में यहाँ पे जो है विभिन्न विभागों द्वारा यहाँ पे वैकेंसी जारी किया जा रहा है। दोस्तों उसी कड़ी में जो है आज हम एक और भर्ती विज्ञापन के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों आज के विज्ञापन में जो है हम देखने वाले हैं शैक्षणिक योग्यता तथा आपको आवेदन कैसे करना है, सभी जानकारी, आयु सीमा से संबंधित सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों तो चलिए वीडियो पे जो है अंत तक बने रहे। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे गरियाबंद जिला तथा विभिन्न जिलों में अभी विभिन्न विभागों द्वारा यहाँ पे जो है आठवीं पास अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। उसी प्रकार से इसी कड़ी में जो है यहाँ पे एक और विज्ञापन आठवीं पास अभ्यर्थियों के लिए जारी किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पे दिया गया है कि जो है आठवीं पास यहाँ पे उत्तीर्ण मांगा गया है दोस्तों, तथा यह जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे बोला गया है ड्राइवर के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें यहाँ पे हल्के वाहन चलाने का जो ड्राइविंग लाइसेंस सक्षम अधिकारी द्वारा यहाँ पे जारी किया हुआ आपके पास होना चाहिए। रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे विवरण दिया गया है। इसके लिए आपको आवेदन जो है 18 अप्रैल तक करना होगा दोस्तों, जैसा कि आपकी स्क्रीन में डेट शो हो रहा है। तथा यहाँ पे बोला गया है कि छत्तीसगढ़ का जो यहाँ पे स्थानीय निवासियों के यहाँ पे अनिवार्य बोला गया है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि सरगुजा जो संभाग है वहाँ के ही स्थानीय निवासियों के यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। तथा यहाँ पे जो है आवेदक की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है 35 वर्ष यहाँ पे दिया गया है, लेकिन जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को यहाँ पे छूट दिया जाता है दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पे अधिकतम जो 5 वर्ष का और छूट दिया जाता है उसको मिलाकर यहाँ पे 45 वर्ष का कुल मिलाकर अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे रखा जाता है। और ये जो भर्ती है वो कहाँ पे होगा, इस पर बात करें तो जो है ये कलेक्ट्रेट में यहाँ पे आपका जो है भर्ती होगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है। योजना एवं सांख्यिकी विभाग जसपुर में ये आपका यहाँ पे पोस्ट होगा दोस्तों। यहाँ पे वाहन चालक जैसे कि आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है यहाँ पे दिया गया है। वेतन की बात करें तो जो है आपको 10,000 रुपये तक का वेतन आपको दिया जाएगा। और जसपुर जिला का यह है वैकेंसी है, कलेक्ट्रेट में आपको जो है यहाँ पे उपस्थित होकर जो है आपको सभी जानकारी वहाँ पे संलग्न करना होगा। आवेदन कैसे करना है उस पर बात करें तो दोस्तों इसके लिए जो है आवेदन डाक के माध्यम से इसके लिए आपको आवेदन करना होगा दोस्तों। तथा आप इसके लिए अधिक जानकारी के लिए जो है सरगुजा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और उसका अवलोकन कर पाएंगे। आप देख सकते हैं पात्रता यानी यहाँ पे पूरा दिया गया है। आपसे जो है शारीरिक और मानसिक रूप से यहाँ पे स्वस्थ होना चाहिए, यहाँ जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। आप देख सकते हैं पूरा अवलोकन इसका कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है आवेदन का प्रारूप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसका डाउनलोड लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले एक फ़ोटो यहाँ पे अटैच करना होगा और इसमें जो है अपना साइन करना होगा दोस्तों। फ़ोटो और इस आवेदन के प्रारूप के अंतराल में ही आपका जो साइन होना चाहिए। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम, यहाँ पे आपका लिंग, यहाँ पे वर्तमान डाक पता, सभी आपको यहाँ पे अटैच करना होगा जैसा कि यहाँ पे दिखा गया है। आपको यहाँ पे एक बात दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको आठवीं कक्षा का जो शैक्षणिक अर्हता संबंधी यहाँ पे मांगा गया है उसको यहाँ पे अटैच करना होगा, तथा उसका कौन कौन सा आपने डॉक्यूमेंट अटैच किया है उसको भी यहाँ पे संलग्न करना होगा। यहाँ पे इसके लिए एक टेबल दिया गया है, उस पर सभी विवरण आपको फिल करना होगा दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे अपना जो भी करेंट डिटेल रहता है उस, जैसा कि आप सबको पता होगा, यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और इसमें दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि आपको जाति निवास यहाँ पे जो है एज देखने के लिए यहाँ पे मांगा जाता है, तो जाति निवास आधार कार्ड संबंधी आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे दिया गया है, तथा आप कौन से कास्ट है वो सब यहाँ पे टिक कर देना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपको जो है फॉर्म किस तरह से भरना है उस पर भी हम एक वीडियो प्रॉपर बना देंगे दोस्तों। तो यही था दोस्तों आज के लिए, मिलते हैं इसी प्रकार से एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।